गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 संकल्प। इसका पार्ट वन संकल्प का, जिसमें मैंने पूरी कविता पूरी पोयम आपको एक्सप्लेन की है कि इस कविता का सार क्या है। एक बार फिर से संक्षिप्त रूप से, इस कविता में बच्चे संकल्प करते हैं कि विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ेंगे, गरीब व निराश्रित लोगों पर सुख बरसाएंगे, जो लोग अंधकार में हैं उनके घरों में दीप जलाकर रोशनी करेंगे, जो लोग उम्मीद मारकर घर पर बैठे हैं उनके बुझे हुए दियों में रोशनी नामक दीप जलाएंगे, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे, हम वीरों का मान बढ़ाएंगे और उनका कर्ज चुकाएंगे। बच्चे ऐसा संकल्प करते हैं। सीख या मॉरल, जब हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा। वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ। संकल्प मीन्स प्रण, संकल्प मीन्स प्रण। विद्यालय मीन्स स्कूल, विद्यालय मीन्स स्कूल। शिक्षा मीन्स ज्ञान, शिक्षा मीन्स ज्ञान। सेवा मीन्स खिदमत, सेवा मीन्स खिदमत। सर्वस्व मीन्स संपूर्ण या सब कुछ, सर्वस्व मीन्स संपूर्ण या सब कुछ। निराश्रित मीन्स जिनके पास कोई आश्रय न हो, निराश्रित मीन्स जिनके पास कोई आश्रय न हो। वीर मीन्स बहादुर, वीर मीन्स बहादुर। उद्यम मीन्स श्रम या मेहनत, उद्यम मीन्स श्रम या मेहनत। नव मीन्स नवीन या नई, नव मीन्स नवीन या नई। ज्योत मीन्स ज्योति प्रकाश, ज्योत मीन्स ज्योति प्रकाश। कर्ज मीन्स ऋण, कर्ज मीन्स ऋण। गरीब मीन्स निर्धन, गरीब मीन्स निर्धन। ओरल सही उच्चारण कीजिए, मीन्स आपको ये वर्ड अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट वर्ड संकल्प, सेकंड निराश्रित, थर्ड वर्ड उद्यम, फोर्थ वर्ड सर्वस्व, फिफ्थ वर्ड कर्ज। संकल्प, निराश्रित, उद्यम, सर्वस्व, कर्ज। समझिए, सोचिए और बताइए। इन आंसर्स को आपको अपने हिसाब से समझना है, सोचना और बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि स्कूल में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? तो हम अच्छी विद्या पाकर, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। कवि किसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं? जो अंधेरे में बैठे हैं, जो अपना सब कुछ हार कर बैठे हैं, कवि उनके घर में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं। इस कविता से क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा। फिर लिखित में, रिटर्न में, क्वेश्चन वन, कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरी कीजिए। आफ्टर रीडिंग द पोएम केयरफुली कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। हे चाह, जो खाली जगह है उसमें आएगा यही संकल्प, यही। फिर खाली जगह हम कुछ करके दिखलाएंगे। फिर विद्यालय में खाली जगह में आएगा शिक्षा पाकर। फिर खाली जगह में आएगा हम आगे बढ़ते और जाएंगे, लिखा हुआ है। तो हमारी पोयम होगी, हे चाह यही संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस पोयम को आपको लर्न भी करनी है। क्वेश्चन नंबर टू, सही उत्तर में राइट निशान, टिक द करेक्ट आंसर। कवि बुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहे हैं? ऑप्शन है नवजोत, मशाल, दिया। तो फर्स्ट वाले में आएगा नवजोत। कवि बुझे चिरागों में नवजोत जलाने के लिए कह रहे हैं। इसका दूसरा है, कवि किसकी सेवा में सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं? ऑप्शन है परिवार की, सेकंड मातृभूमि की और थर्ड सच्चे मित्र की। तो राइट ऑप्शन है सेकंड मातृभूमि की। कवि मातृभूमि की सेवा में सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लेने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में किसको गले लगाने के लिए कहा गया है? इस कविता में गरीब और निराश्रित लोगों को गले लगाने के लिए कहा गया है। इस कविता में गरीब और निराश्रित लोगों को गले लगाने के लिए कहा गया है। कवि क्या क्या करने का संकल्प कर रहे हैं? कवि गरीब लोगों की सहायता करने, मातृभूमि की सेवा करने
और वीरों का मान बढ़ाने आदि का संकल्प कर रहे हैं। कवि गरीब लोगों की सहायता करने, मातृभूमि की सेवा करने और वीरों का मान बढ़ाने आदि का संकल्प कर रहे हैं। फिर भाषा ज्ञान में आ गया, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों में राइट निशान लगाइए। टिक द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। छाया, तीन ऑप्शन दिए हैं, छाव, धूप और सर्दी, तो इसका राइट समानार्थक शब्द हुआ छाया का छाव। घर, ऑप्शन दिया है पथ, ग्रह और शहर, तो घर का राइट आंसर आएगा ग्रह। शिक्षा, ऑप्शन दिए है अशिक्षा, पठन और ज्ञान, तो शिक्षा का राइट समानार्थक शब्द आएगा ज्ञान। संकल्प, तीन ऑप्शन दिए, फर्स्ट प्रण, सेकंड चा, थर्ड जोश, तो संकल्प का समानार्थी शब्द आएगा प्रण। छाया का समानार्थी शब्द छाव, घर का समानार्थी शब्द ग्रह, शिक्षा का समानार्थी शब्द ज्ञान, संकल्प का समानार्थी शब्द प्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अर्थ में अंतर समझिए। एक ही शब्द एक जैसे दो है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। और मीन्स तरफ होता है और मीन्स तथा, नीर मीन्स पानी होता है, नीड मीन्स घोंसला, मूल मीन्स जड़ होता है, मूल्य मीन्स कीमत, अंतर मीन्स फर्क और अंदर मीन्स भीतर। शब्दों का थोड़ा सा ही हेरफार है लेकिन इनके शब्दों के जरा से मीनिंग का पूरा अंतर दिया गया अर्थ बदल जाता है। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। हम विद्यालय में शिक्षा पाएंगे, खाली जगह आगे बढ़ेंगे, तो इसमें औ वाला और आएगा, और हम उजाले की खाली जगह जाएंगे, तो इसमें सिर्फ और आएगा, हम उजाले की ओर जाएंगे। हमें अमीर गरीब में नहीं करना चाहिए, तो खाली जगह में आएगा अंतर, हमें अमीर गरीब में अंतर नहीं करना चाहिए। बच्चों के खाली जगह जोश भरा है, तो खाली जगह में आएगा अंदर, तो बच्चों के अंदर जोश भरा है। फिर झरने का खाली जगह मीठा है, तो खाली जगह में आएगा नीर, नीर मीन्स पानी, तो झरने का नीर मीठा था। चिड़िया के खाली जगह में अंडे थे, तो खाली जगह में आएगा नीड, चिड़िया के नीड में अंडे थे। इस साइकिल का खाली जगह क्या है, तो खाली जगह में आएगा मूल्य, इस साइकिल का मूल्य क्या है। इस पौधे को खाली जगह सहित लगाओ, तो खाली जगह में आएगा मूल, इस पौधे को मूल सहित लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों के समान तुम वाले शब्द छांटकर। समान तुम मीन्स राइमिंग वर्ड्स, उसी से मिलते जुलते दूसरे वर्ड। यही का राइमिंग वर्ड्स आएगा कही और वही। बरसाए का राइमिंग वर्ड्स लगाएंगे, जलाएंगे। सेवा का राइमिंग वर्ड्स कलेवा और मेवा। बच्चे का राइमिंग वर्ड सच्चे, कच्चे। छाया का राइमिंग वर्ड्स काया और माया। तो यही का समान तुक शब्द होगा कही और वही। बरसाएगा समान तुक शब्द लगाएंगे और जलाएंगे। सेवा का समान तुक कलेवा और मेवा। बच्चे का समान तुक शब्द होंगे सच्चे और कच्चे। छाया का समान तुक शब्द होगा काया और माया। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरे दिए हैं, उसका अर्थ भी दिया है, सिर्फ हमें उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। कमर कसना, इसका अर्थ होता है किसी काम के लिए तैयार होना। कमर कसने का अर्थ होता है किसी काम के लिए तैयार होना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग, परीक्षा नज़दीक आने वाली है इसीलिए मैंने कमर कस ली है। फूले ना समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। कक्षा में, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा, कक्षा में प्रथम आने पर राधा फूले न समाए। लोहा मानने का अर्थ होता है प्रभाव स्वीकार करना। उसका वाक्यों में प्रयोग होगा, अंग्रेजी विषय में पूरी कक्षा डगलस का लोहा मानती थी। पेट में चूहे कूदना मीन्स बहुत भूख लगना, उसका अर्थ पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। वाक्यों में प्रयोग, मम्मी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। शब्द, कमर कसना मीन्स किसी काम के लिए तैयार होना। परीक्षा नज़दीक आने वाली इसलिए मैंने कमर कस ली है।
फूले न समाना मीन्स बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर राधा फूले न समाए। लोहा मानना का अर्थ होता है प्रभाव स्वीकार करना। वाक्यों में प्रयोग, अंग्रेजी विषय में पूरी कक्षा डगलस का लोहा मानती थी। पेट में चूहे कूदने का अर्थ हुआ बहुत भूख लगना। इसका वाक्यों में प्रयोग होगा मम्मी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस तरह से ही आपका लेसन नंबर 15 संकल्प का पार्ट 2 पूरा होता है। इस पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग, मुहावरे, जितना भी ग्रामर पोर्शन है, जो क्वेश्चन आंसर है, ये सब कुछ आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है, नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।